টানেল বিপর্যয়ের ১২ দিন অন্ধকার সুরঙ্গে আশার আলো। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে উত্তরকাশী টানেলের সামনে থেকেই বের করে আনা সম্ভব ৪১ জন শ্রমিককে। তবে ওপর থেকে খোঁড়ার কাজ শুরু হয়েছে, উদ্ধারকারী দলের আশ্বাস আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। ফের ঘটনাস্থলে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাইপ বসানোর যে কাজ চলছিল সেই কাজ শেষ হয়েছে। অক্সিজেন মাস্ক পরে টানেলে ঢুকেছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। সাবধানে ধীরে সুস্থে এগোচ্ছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা, সময় লাগছে সেই কারণেই এমনটাই এনডিআরএফের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। আর মাত্র কয়েক মিটারের দূরত্ব, বেশ কিছু হার্ডলস পেরোতে হচ্ছে, কখনো মেশিন খারাপ হচ্ছে, কখনো ড্রিল করতে সমস্যা হচ্ছে, পদে পদে চ্যালেঞ্জ। আর সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই উদ্ধারকারী দল আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। রুদ্ধশ্বাস অভিযান চলছে টানা ১২ দিন ধরে এখনো পর্যন্ত এনডিআরএফ টিমের তরফ থেকে যেটা বলা হচ্ছে। আর মাত্র কিছুক্ষণের অপেক্ষা, আর তারপরেই কিন্তু এই ৪১ জন শ্রমিক যারা অন্ধকূপে ১২ দিন ধরে আটকে রয়েছেন তাদেরকে এক এক করে উদ্ধার করা সম্ভব হবে। মরণপণ অপারেশন চলছে, অপারেশন জারি রাখা হয়েছে। অন্ধকার সুরঙ্গে আশার আলো, টানেল বিপর্যয়ের ১২ দিন, অন্ধকার সুরঙ্গ থেকে ৪১ জন শ্রমিককে বের করে আনার শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। ধ্বংসস্তূপের ভেতরে যে পাইপ, সেই পাইপ বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। অক্সিজেন মাস্ক পরে টানেলে ঢুকেছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। খুব ধীরে সুস্থে সাবধানে উদ্ধারকারী টিম এগোচ্ছে, আর সে কারণেই সময় লাগছে এনডিআরএফ টিমের তরফ থেকে এমনটাই জানানো হচ্ছে। যে ছবি উদ্ধারকারী দলের যারা সদস্য তাদের বক্তব্য এবং যারা এক্সপার্ট রয়েছেন, বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন, তাদের বক্তব্য পাওয়া গিয়েছে। এবং আজকে একেবারে গ্রাউন্ড জিরোতে আবারও উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি তিনি পৌঁছে যান। ঠিক কী জানাচ্ছেন তিনি শোনাবো, এবং উদ্ধারকারী দলের সদস্যদের বক্তব্যই বা কী, এক্সপার্টদের বক্তব্যই বা কী, শুনুন। মেশিন কাম কর রহি হ্যায়, और बीच बीच में जहां आवश्यकता पड़ रही है उसको, मतलब कहीं वेल्डिंग इत्यादि की, तो वो करके उसको काम कराया जा रहा है। इसकी एग्जैक्ट फिगर देना इस समय पे मुश्किल है, पर मैं ये कह सकता हूं कि हम अधिकांश जो दूरी है वो पूरी कर चुके हैं, और थोड़ा ही काम बचा है। पर कुछ टेक्निकल जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको लगातार हमारी टीम्स ओवरकम कर रही है। हम रोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आज पूरा हो, अभी पूरा हो, कल पूरा हो, तो परंतु इस तरह समय तय करना किसी के लिए भी अभी संभव नहीं है, क्योंकि चुनौतियां अब समय समय पर परिवर्तित हो जाती हैं। कई बार कोई नई समस्या आती है, पर कार्य लगातार, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि कार्य लगातार चल रहा है, और उसकी मॉनिटरिंग उच्चतम स्तर से दोनों राज्य सरकार और भारत सरकार के स्तर से हो रही है। 45 मीटर हो गया है, मैं ट्रेटलेस का स्टाफ हूँ, 45 मीटर हो गया है और पाइप हो चुका है, 45 मीटर हो चुका है। पाइप के आगे जाल और स्टील और क्या नाम है, 3 इंची का पाइप था, इसलिए पाइप को होल्ड कर लिया था और उसको हम लोगों ने काटा है, काट के क्लियर किया है। रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है, कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएं। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं, एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं, रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है, और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं उन सभी का भी, क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है निश्चित रूप से, सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं, और हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा।
12 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमारे साथ में भास्कर खुलबे सर हैं। सर आप पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जरा इस साइड में आइए सर, कि अभी क्या सिचुएशन है, कैसे काम चल रहा है? अभी काम चल रहा है 45 मीटर से आगे पहुंचने के लिए, जो 6 मीटर की असेंबली है वो असेंबल हो चुकी है, उसको आगे ले जाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कि ऐसे बड़े काम में पूर्वानुमान से ये कहना कि ऐसे 1 मीटर पर ये होगा, 2 मीटर पर ये होगा, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और वो क्योंकि वहाँ पे एक मलबे के बीच में हम जा रहे हैं जहाँ हमने देखा नहीं है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी अड़चनें तो आती हैं, उन्हें हमें दूर करना ही है। सारी टीम काम कर रही है, उनकी मनसा ये है कि हम जल्दी से जल्दी उन तक पहुँचें, लेकिन उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए ऐसी तरह से पहुँचें कि उसमें कोई बाधा ना हो। आखिर में सर, लगभग अब जो सभी सवाल पूछ रहे हैं सबके जहन में, कितना वक्त लग सकता है या ब्रेक थ्रू कहाँ मिल सकता है? उम्मीद करते हैं 15 से 18 के घंटे के बीच। तो फिलहाल आप इस तरह से देखिए कि काम जो है यानी कि ड्रिल का वो लगातार चल रहा है, कुछ रुकावटें आती हैं उसको दूर किया जाता है, फिर काम चलता है। इस तरह से अब जो ड्रिलिंग का काम है वो चल रहा है, इसमें अभी वक्त लग सकता है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, उत्तरकाशी। बांग्ला आवाज, बांगाली आवेग, जी 24 घंटा।